नमस्कार मेरे दोनों, आप देख रहे हैं BHU पार्सल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली आज हम आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। RET एग्जामटेड का भी यहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू, ठीक है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको समझानी है, बतानी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि ये है कि बहुत सारी क्राइटेरिया को चेक करके आना, और जिनका भी BHU में PhD करने का एक सपना है, मैं समझता हूँ वो, मतलब इतने सारे कोर्सेज का मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि PhD इज़ अ ड्रीम एक्चुअली। वो सच में एक सपना है, क्योंकि ये भाई सोचो, जहाँ पे एक ही सीट हो, जहाँ पे बस दो सीट हो, 3+2 की सीट हो, 1+1 की सीट हो, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वहाँ पे एडमिशन लेने आते हो इतना सब जानने के बाद कि हाँ यहाँ पे बस एक ही सीट है। तो आज जो मैंने अंदर बात करी, इवन बहुत अच्छे से डिस्कस भी करा, मैं कम से कम एक घंटा यहाँ पे डिस्कस करा कि मेरे को थोड़ा सा बताओ पूरा प्रोसेस। मैंने हर एक एस्पेक्ट पे बात करा, इवन मैंने ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बात करा कि क्या ये बात सच है कि यहाँ पे मतलब सीटें ठीक से नहीं दी जाती हैं या घालमेल हो जाता है। इन तमाम बातों को आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो तो समझ पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे इस बात को पहले अच्छे से समझ लो कि आपने जब फॉर्म डाला था तो आपने रिट एग्जामटेड और RET दोनों डाला था कि नहीं डाला था। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले समझो। पहले तो ये जान लो कि PhD की क्राइटेरिया है क्या, PhD करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आते हो तो आपका पूरा दसवीं से लेके पूरे PG तक के पूरे कैलकुलेशन होता है, जैसे एकेडमिक कैलकुलेशन, आप एकेडमिक रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और उसका भी पूरा कैलकुलेशन मेथड है कि 0.25 से दसवीं का मल्टीप्लीकेशन है, फिर एडिशन ऑफ द, फिर ट्वेल्थ का, फिर उसमें 0.25 से है, फिर UG का है आपका 0.3 से है, फिर 0.6 से आपका है PG का, फिर फाइनली उसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें 20 नंबर के आपके जो है इंटरव्यू जोड़े जाते हैं। अभी ये 2022 तक का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जबकि प्रोसेस चल रहा है 2021 का। हो सकता है आने वाले समय में ये जो मैंने इंटरव्यू बोला ये हटा भी दिया जाए, इसमें कोई अभी सियोरिटी नहीं है, ठीक है। पहले जो क्वालिफिकेशन की मैंने बात करी है वो ये है कि आपका क्वालिफिकेशन जो है वो, या तो आप जैसे रेट दे के आ रहे हो तो आप कम से कम उसको क्वालिफाई करके आओ, या रेट एग्जामटेड के थ्रू आ रहे हो तो एटलीस्ट आपका नेट JRF जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच के भी आए थे कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, सपोज किसी यूनिवर्सिटी में किसी डिपार्टमेंट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो उनको एक प्रेफरेंस दिया जाता था लेकिन यूनिवर्सिटी के ग्राउंड लेवल पर इस चीज़ को भी अब समझा दिया गया है कि भाई वो एक अब जेन्यून वे नहीं रहा, वो एक लीगल वे नहीं रहा PhD करने के लिए कि अगर आपने गोल्ड मेज लिस्ट करा है तो फिर आपको उसमें एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो मेन जो, क्योंकि देखो आप समझ रहे हो, मैं फिर से वही बोला कि भाई ड्रीम है यार, यहाँ पे एक सीटों में इतने लोग का एडमिशन कराना है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, एक सीट है, और 20 के पास अपना कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई JRF में रैंक लगा कर रखा है, टॉप 5 में 1 रैंक है, समझ रहे हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अंदर ग्राउंड भी दिखा सकूँ कहाँ पे चल रहा है इंटरव्यू। ओके, ये देखो अंदर का सीन है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात भी करूँगा, ठीक है, यहाँ के कुछ प्रोफेसर से कि कैसे ले रहे हैं लोग। एक्चुअली अभी चल रहा है, ऑन द वे है। देखो ये जो है वो एरिया है जहाँ पे बैठना था, और अंदर चल रहा है। और अब देखो यहाँ पे एक्चुअली शाम को मेरे पास अभी कुछ जो एलिजिबिलिटी के जो फॉर्मेट होते हैं, यानी जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो मेरे को शाम को व्हाट्सअप में मिल जाएगा। तो मैं उसको नेक्स्ट टेलीग्राम या नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं पोस्ट में डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, जिससे कन्फर्म हो जाए कि एलिजिबिलिटी एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने जो बोला है, जो पॉइंट यहाँ के सर ने बोला है, वो यही है कि हर कुछ ऑलरेडी जब फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो वहाँ पे दिया रहता है, सब दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, जैसे जिस बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम में आ रहे हो वो उस बेसिस जो मेरिट है, वो मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जैसे आपने नेट JRF निकाला हुआ है, मतलब नेट का पेपर दिया हुआ है, तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, ये बात है। समझ में आ रहा है मेरी बात। सो गाइज, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे बने रहें, क्योंकि BHU पाठशाला ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हनुमान जैसे कृष्ण राधे राधे।